सहारनपुर थाना नकुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 अदद तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर किया बरामद। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में थाना नुकुर प्रभारी के कुशल नेतृत्व में 25,000 के इनामिया दो इनामिया अभियुक्त साजिल पुत्र नसीम, शोएब पुत्र इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 अदद तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा 1 खोखा कारतूस बरामद किया। अभियुक्तगणों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। देखिए, थाना नकुड़ पर 13 मार्च को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया वादी कुंवरपाल द्वारा कि उनके पुत्र पंकज व विकास ये रहने वाले ग्राम रामगढ़ के हैं। इनके एक के तो बाएं कंधे पर गोली लगी और एक के बाएं पैर पर। तो इसकी जब FIR लॉन्च की और जानकारी की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये अभियुक्त जो हैं और वादी जो हैं ये आपस में दोस्त ही थे, मिलने जुलने वाले थे और इनकी किसी बात पर पैसे को लेकर विवाद हुआ और सामने जो अभियुक्त पक्ष है उनकी तरफ से फायरिंग की गई जिसके वजह से जो वादी है उनको पैर में और हाथ में गोली लगी। तो फिर ये तभी से फरार थे और इनको काफी इनके घरों पर दबिश दी गई और फिर आज इनको गिरफ्तार करके और इनके पास पर एक दोनों के पास से एक एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस मिले हैं और इनको आज दाखिल करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या रहा है? देखिए, इनका पैसे का लेन देन रहा है गूगल पे से, जो भी पैसे का लेन देन रहा और सामने वाले पार्टी ने उस समय नशे की हालत में भी थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और सीधा लड़ाई झगड़े में उनके पास अवैध तमंचे भी थे उससे सीधा फायर कर दिया। फिर पुलिस द्वारा इनकी काफी छानबीन की गई, इन पे 25,000 का इनाम भी किया गया। आज सुबह इन्हें गिरफ्तार करके और इनके पास से जो अवैध तमंचा है इसको कब्जे में लिया गया है और इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की। सर, ऐसा क्या देखा जा रहा है जो मामूली सी बातों पर अपराधी बन रहे हैं आज? सबसे बड़ा तो इसमें जो है हम देखेंगे कि नशा आजकल बहुत तेजी से आज की यूथ में नशा का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है और इस पे भी हमारी पुलिस जो है जनपद की पुलिस अग्रसर है और पूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि जो नशे का कारोबार है वो पूरी तरह से खत्म हो और अवैध तमंचों पर भी निरंतर कार्रवाई करके रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।